हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि तीनों परीक्षाएं जल्द से जल्द रद्द करें, न तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन रुकने वाला नहीं है, जब तक बिहार से कैंसिल नहीं का हम लोग थमने वाले नहीं है। अरे बैठ जाइएगा वहीं पे, बिल्कुल हम लोग अनशन करेंगे अगर बिहार सरकार कैंसिल नहीं करती है बीएसएससी को। तो देखिए तो अभ्यर्थी जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मनोबल काफी हाई है। वही दूसरी तरफ की दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पे पुलिस बल की मुस्तैदी कर दी गई है और इन्हें जो अभ्यर्थी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गांधी मैदान के तरफ जाने से रोकने का पूरा प्रयास है। देखिए हमारे पीछे जो है वो पुलिस बल की मौजूदगी है और बारगेटिंग लगा करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से इस साइड किसी भी अभ्यर्थियों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही इसके बाद देखना होगा कि अभ्यर्थी किस रास्ते से जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तीनों पाली की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस बल की भी मुस्तैदी कर दी गई है। देखिए यहाँ पे पुलिस बल की जो मुस्तैदी है, बारगेटिंग करके पुलिस बल खड़ा है। किसी भी प्रकार की अगर भगदड़ मचती है तो पुलिस तैयार है। जेपी गोलंबर की तरफ जो छात्रों का काफिला है वो आगे बढ़ चुका है और हमारे साथ देखिए एक जो है चलने में असमर्थ है वो भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिए हुए है। क्या कहिएगा, अभी प्रोटेस्ट में घूम रहे हैं, क्या कहिएगा? हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि तीनों परीक्षाएं जल्द से जल्द रद्द करें, न तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा एग्जाम देने गए हुए थे? अभी एग्जाम मेरा बिहार शरीफ में था, हम गए हुए थे एग्जाम देने, 24 तारीख का एग्जाम मेरा था। उम्मीद है सरकार से, आयोग से चुनाव कैंसिल करेगी? एकदम उम्मीद है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एकदम उम्मीद है। देखिए तो ये जो चलने में असमर्थ है फिर भी लगातार अभ्यर्थियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देखना होगा कि वाकई में सरकार की चुप्पी जो है इस पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। आखिर 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है कि आखिर क्यों नहीं आयोग जो है इस पे कार्रवाई करती है, क्यों नहीं निष्पक्ष जाँच करके अभ्यर्थियों के हक में निर्णय देती है। अभ्यर्थियों का बार बार यही कहना है तीनों पाली की परीक्षाएं जो है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन आयोग जो है सुन नहीं रही है। पीछे देखिए बीएसएससी के अभ्यर्थी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार देखा भी जा रहा है कि किस प्रकार से इन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि अब जेपी गोलंबर पर भी भारी बल पुलिस की मौजूदगी है, अब देखना होगा क्या कुछ होगा, लेकिन अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो काफ़ी हाई है, वो रुकना नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से लगातार सरकार की असफलता पे आवाज़ तो उठ रही है कि क्यों नहीं जो मौजूदा सरकार है बिहार की वो इस पे कुछ बोलना चाह रही है। लगातार जो है अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि तीनों पाली की परीक्षाएं को आप रद्द कर दीजिए, क्या जाता है, आप पारदर्शिता लाइए एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। इवन आप क्या बोल रहे हैं अभ्यर्थियों को कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन पेपर है, सबूत है, देन आप उसे हमें प्रोवाइड करिए, मेल कीजिए, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। क्या वाकई में अगर आयोग क्वेश्चन पेपर देती तभी तो सवाल तो ये भी होगा, आयोग क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को देती नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा निर्णय। हालांकि अभ्यर्थियों का जो झुंड है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए हम कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम होगी भैया? मनोज कुमार। भैया आगे जा रहे हैं, पुलिस बल की भारी तैनाती भी कर दी गई है, रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा? ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, जब तक बिहार से कैंसिल नहीं का हम लोग थमने वाले नहीं है। अरे बैठ जाइएगा वहीं पे, बिल्कुल हम लोग अनशन करेंगे अगर बिहार सरकार कैंसिल नहीं करती है बीएसएससी को। तो बिहार सरकार कैंसिल करना ही होगा, ये नहीं आओ, इसके लिए हम लोग को जो कुछ करना हो करने को तैयार है विद्यार्थीगण। क्या नाम हो गया? सुनील कुमार। अच्छा आप देख रहे हैं काफी भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पे तो उतर गए, लेकिन पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई, अब आगे आप लोगों को रोक दिया जाएगा, आयोग के ऑफिस के पास जाने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और आप बताइए कि कौन ऐसा दुनिया में एग्जाम होता है जिसमें कॉपी किताब लेके जाया जाता है, बताइए कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें कॉपी लेके जाया जाता है, किताब बुक नहीं ना, इसलिए ये आप लोगों को भी नहीं जाने था, फिर क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, मांग जो है तो आयोग सुन नहीं रही है, फिर प्रोटेस्ट पे आप लोग उतरे, क्या कहिएगा? आयोग को मानना पड़ेगा क्योंकि सारा पेपर जो है मीडिया में आप देख लीजिए, न्यूज 18 में उसमें भी चलाया गया है, लाइव दिखाया गया है, स्टूडेंट एक दिखाया है, वो अपना फेस नहीं दिखाया है क्योंकि सिक्योरिटी आप जानते ही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सारा पेपर को कैंसिल करो और फ्रेश एग्जाम लो। देखिए अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज है हक, अब आगे आप लोग बढ़ रहे हैं, रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा सामने।
नहीं, हम लोग वहाँ डाक बंगला तक शायद जाने का हम लोग का प्लान है, समझे? जेपी गोलंबर के पास ही रोकने का प्रयास है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो वहीं पर पहुँच गए हम लोग का, बहुत है। सरकार, उम्मीद है सरकार से कि कोई कार्रवाई होगी आप लोगों के फेवर में, जो भी होगा नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट? हाँ हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो पूरा, तभी तो हम लोग आए हैं, उम्मीद है कि रद्द हो जाएगा। चलिए देखिए, अभ्यर्थियों को उम्मीद है आयोग से कि उनके फेवर में डिसीजन आएगा, लेकिन हालांकि लगातार जो ट्विटर पे भी दिखाया गया था कि मिनिमम 6 लाख, लगभग 6 लाख अभ्यर्थी ट्वीट किए थे। जो ये आंदोलन जो बिहार सरकार भी देख रही होगी, इतना बड़ी लाखों की संख्या में जो भीड़ है पटना में, इसका असर मुझे उम्मीद है कि पढ़ना चाहिए और पेपर को फाइनली कैंसिल करके आगे से एक नया डेट दे और पारदर्शी। देखिए, अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी, आयोग उनकी बातों को सुनेगी, परीक्षा में पारदर्शिता भी लाएगी और तीनों शिफ्ट की एग्जाम को कैंसिल करके फिर से एग्जाम का डेट अनाउंस करेगी और बच्चे लोग जाके एग्जाम देंगे। लेकिन देखना होगा क्या वाकई में आयोग इनके फेवर में डिसीजन लेते हैं या फिर आयोग अपने मन के मुताबिक ही अड़ी रहेगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार, एक अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।